महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग चौड़ीकरण का विरोध कर रहे रहवासियों ने अपने बच्चों को आगे कर दिया। उनके हाथों में स्लेट और तख्तियां थमाकर प्रदर्शन कराया। इन पर लिखा था, शिवराज मामा योजना वापस लो, मेरे पापा ने लोन लेकर घर बनाया है, हम महाकाल क्षेत्र छोड़कर नहीं जाएंगे। बच्चों के मामा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उज्जैन के सैकड़ों बच्चों ने हाथ में स्लेट लेकर बेघर नहीं कराने की गुहार लगाई है। महाकाल मंदिर के बाहर सभी बच्चों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए महाकाल मंदिर पहुँच मार्ग को चौड़ीकरण किया जाना है। इस कार्य के दायरे में 145 परिवारों की जमीन मकान आ रहे हैं, जिनका अधिग्रहण करने की कागजी कार्रवाई प्रशासन ने शुरू की है। मकानों को चिन्हित भी कर लिया गया है। बदले में प्रभावित परिवारों को राज्य शासन की ओर से मुआवजा स्वरूप 128 करोड़ रुपए मिलना है। पहले चरण में मंदिर के सामने वाले हिस्से के 11 मकानों का अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरे चरण में महाकाल मंदिर एवं महाराजवाड़ा परिसर के बीच की सड़क चौड़ी करने के लिए 6 परिवारों की महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहा तक मार्ग चौड़ीकरण के लिए 40 परिवारों की सरस्वती शिशु मंदिर समानांतर मार्ग को चौड़ा करने के लिए 20 परिवारों की ओर बड़ा गणेश मंदिर से 24 खंबा माता मंदिर मार्ग तक मार्ग चौड़ा करने के लिए 12 परिवारों की जमीन अधिग्रहित की जाना है। इसके विरोध में प्रभावित रहवासी और दुकानदार 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन चल रहा है आज हमारे घर। एक दिन पहले जो हमारा कार्यक्रम था मानव श्रृंखला में हमारे घर की महिलाएं आई थी, हमारे बच्चे ये बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो चाचा, कहाँ जा रहे हो आप। तो आज हम बच्चों को लेकर आए हैं कि कम से कम मामा जी जब हमारे शिवराज सिंह जी हमारी नहीं सुन रहे तो कम से कम हमारे बच्चों की सुन रहे हैं। ये मांग को लेकर आज सभी बच्चों अपने अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं कि हमें हमारे दादाजी यहीं रहते थे, हमारे पिताजी यहीं निवास करते थे, हमारी सातवीं पीढ़ी यहाँ पर है। ये जो आज पीढ़ी है हमारी, ये सातवीं पीढ़ी है, तो इन सातवीं पीढ़ी भी यही रहना चाहिए हमारी। हम रहें या ना रहें, हमारे बच्चे यही रहेंगे और महाकाल क्षेत्र में निवास करेंगे और यही व्यवसाय करेंगे।